हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको पता है कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है। आप सबको पता है लॉकडाउन है और आपकी क्लासेज बंद हो गई हैं, इसलिए आपको स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए ये आइडिया निकालना है। आज का आपका टॉपिक है हिंदी व्याकरण लेसन वन, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम को करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। परिभाषा, वे शब्द जिनसे किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना आदि। क्रिया के भेद तीन हैं। कर्म के आधार पर प्रयोग व संरचना के आधार पर। नंबर तीन, काल के अनुसार पर पढ़ें। कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अकर्मक क्रिया, इसमें कोई कर्म नहीं होता। क्रिया का फल कर्ता पर कर्म का अभाव होता है। कर्ता का संबंध क्रिया पर पड़ता है, जैसे पिताजी सो रहे हैं, तो इसमें कर्ता कौन हो गया? पिता। और सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। धारता है, तो शेर इसमें क्या हो गया? कर्ता। और धारता है क्रिया, इसमें कोई कर्म नहीं होता, कर्म का अभाव पाया जाता है। नंबर टू, सकर्मक क्रिया। क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, कर्म पाया जाता है, इसमें कर्म होता है, जैसे जैसे मुस्कान पुस्तक पढ़ती है। मुस्कान पुस्तक पढ़ती है, मुस्कान क्या पढ़ती है? पुस्तक। किसको पढ़ती है? पुस्तक को। तो इसमें क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। पहलवान दूध पी रहा है, तो पहलवान क्या पी रहा है? दूध। इसमें भी कर्म है। कान पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें कर्म पुस्तक है। राम ने रावण को मारा, इसमें राम क्या हो गया? कर्ता। ने रावण कर्म, किसको मारा? राम, रावण को। तो मारा क्या हो गया? क्रिया। माता ने बालक को वस्त्र पहनाए, तो माता ने बालक को वस्त्र पहनाए, माता क्या हो गई? कर्ता। ने बालक को क्या पहनाए? वस्त्र। तो बालक को कर्म, वस्त्र क्या पहनाए, तो पहनाए क्या हो गया? क्रिया। वस्त्र कर्म, इसमें दो कर्म होते हैं, कि पहचान, क्या, किसे, किसको, को उत्तर आए तो कर्म होता है, जैसे स्वाभाविक क्रियाएं। स्वाभाविक क्रियाएं अकर्मक होती हैं, ये हमेशा नेचुरल पाई जाती हैं, जैसे सोना। सोना हम अपनी इच्छा के अनुसार सोते हैं, अकर्मक क्रिया। इच्छा के अनुसार नहीं सोते हैं। ऐच्छिक क्रिया सकर्मक क्रिया, यह इच्छा के अनुसार किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। कल दो टॉपिक पढ़ेंगे, प्रयोग व संरचना के आधार पर और काल के अनुसार। थैंक यू।
प्लीज़ राइट इट इन योर नोटबुक एंड लर्न।